Namo Tasay Bhagavato Arhato Sammasam Buddhasse. हम तीन बार कोई भी अच्छा काम करते समय या जब भी हम वंदना करते हैं या कोई गाथा करते हैं उससे पहले हम ये शब्द बोलते हैं. ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये जितनी भी गाथाएं जो हम बोलते हैं अधिकतर जो वंदना है वो वंदना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त के बाद में जो ज्ञानी भिक्खु या ज्ञानी लोग हुए हैं उन्होंने ये बनाई हैं. नमो का मतलब है नम कर यानी कि झुकना नम्र होना. ये तस्से मीन्स माने हैं उनके लिए. नमो तस्से भगवतो यानी कि जो भगवा हैं जो भग्न कर चुके हैं राग द्वेष और मोह को उनके लिए. अरहतो का मतलब है जो अरहत हैं उनके लिए. अरहत क्या होता है? अरहत उसको बोलते हैं जो अपने जीवन की सभी जो दुख की राग की द्वेष की कड़ियां हैं उनको ख़त्म कर चुके होते हैं जीते जी और उनको कोई भी दुख और सुख कहीं भी परेशान नहीं करता और वो हमेशा मुदित अवस्था में रहते हैं, प्रसन्न अवस्था में रहते हैं, करुणाशील रहते हैं, करुणा देते रहते हैं. ऐसे व्यक्ति को अरहत बोलते हैं. सम्मा सम बुद्धस्य. सम्मा का मतलब है बराबर, इक्वल, पूरा. सम्मा सम बुद्धस्य और सम बुद्धस्य का मतलब है जो बुद्ध बिल्कुल सम्यक हैं यानी कि ठीक हैं और बुद्ध हैं. तो हम ऐसे सम्मा सम बुद्ध को यानी जो सही हैं, सम्यक हैं और बराबर हैं, हर चीज़ को जानते हैं, उन बुद्ध को नमस्कार करते हैं. नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धस्य. तीन बार हम इसलिए करते हैं. एक बार हम करते हैं जब हमारे मन में कोई बात आती है तो मन से, एक बार हम करते हैं वाणी से जब हम बोलते हैं, और एक बार हम अपने कर्म से करते हैं यानी कर्म से. इसलिए तीन बार बोला जाता है. धन्यवाद.